नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में भीषण आग लगने से तहलका मच गया है। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, 15 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा शरणार्थी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में यहां रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी बेघर हो गए हैं। इन सबको लेकर तहलका मच गया है। जी हां, दक्षिणी बांग्लादेश में रविवार को दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या कैंप में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 400 ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। यूएन के मुताबिक इस आग ने हजारों स्थायी घरों को तबाह कर दिया। इन कैंपों में करीब 10 लाख शरणार्थी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर वे हैं जो 2017 के म्यांमार से लौट कर आए हैं। ये सभी कॉक्स बाजार और इसके आसपास के शिविर में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई मुस्लिम देश रहने खाने में इनकी मदद करते हैं। ये आग कॉक्स बाजार इलाके में बनी बालू खाली शिविर में लगी थी, बाद में ये काफी बड़े इलाके में फैल गई। बताया जा रहा है कि इस आग से करीब 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। आग लगने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई है। वो जो कुछ लेकर भाग सकते थे भागे। बताया जा रहा है कि शिविर में बांग्लादेशी आवास टेंट, प्लास्टिक शीट और मोंटी पॉलिथिन शीट से बने घरों में रहते हैं। ऐसे में आग काफी तेजी से फैली। हालांकि अभी इस आग के लगने की वजह पता नहीं चली है। वहीं यूएन के शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता लुइस ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद बचाव दल सक्रिय हो गए थे। इस वजह से जान माल के बड़े नुकसान को बचा लिया गया, लेकिन आग में 15 शरणार्थी मारे जाने की बेहद दुखद खबर है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।